हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के मिश्रा, द टीचर ऑफ इंग्लिश एस वी एम सिनी डे। टुडे वी शैल रीड द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स, द सेफर्ड्स ट्रेजर पार्ट वन। देर आर सम पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी। A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. एक समय की बात है कि एक गरीब गडेरिया या चरवाहा ईरान में रहा करता था। यद्यपि वह अनपढ़ था, फिर भी वह बहुत ही बुद्धिमान और एक दूसरे को सहायता करने वाला था। उस देश का राजा एक बार उससे छिपे हुए रूप में मिलने का निर्णय लिया। द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ विलेज इन ईरान। देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक समय की बात है कि ईरान के एक गांव में गडेरिया या चरवाहा रहा करता था। शेफर्ड मीन्स गडेरिया या चरवाहा। ही वॉज वेरी पुअर। वह काफी गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वह इतना गरीब था कि उसके पास छोटा सा झोपड़ी भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया, चाहे तो लिखने के लिए या पढ़ने के लिए। For there were very few schools in those days. क्योंकि उस समय बहुत कम ही स्कूल थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। यद्यपि वह गरीब और अनपढ़ था, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। यह जो शेफर्ड था बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वह लोगों के परेशानी और दुख को समझता था और उन्हें समस्याओं से मुकाबला करने के लिए मदद करता था कि वे लोग साहस और समान सूझबूझ से उसकी मुकाबला करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उससे सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमानी और मित्रवत व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him.
उस देश का राजा उसके बारे में सुना और उससे मिलने के लिए विचार किया। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड, अपने आप को चरवाहा के रूप में वेश बदलकर और खच्चर के ऊपर चढ़कर एक दिन राजा गुफे में आया, जहाँ वह बुद्धिमान चरवाहा या गडेरिया रहा करता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उस गडेरिये ने उस यात्री को आते हुए अपने तरफ देखा, गुफे की तरफ आते हुए देखा, वह उसे स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इन साइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल। वह थके हुए उस यात्री को, जो छिपे हुए रूप में राजा था, उसे अपने गुफे के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर, उसे पानी दिया, टू ड्रिंक पीने के लिए, एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल, और वह अपने भोजन के हिस्से दिए। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। राजा आराम किया फॉर द नाइट इन द केव, पूरी रात उस गुफे में, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही प्रभावित हुआ बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, उस गडेरिये के आतिथ्य सत्कार से, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत के द्वारा। द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द वीडियो, दे शुड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वैसे स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। यदि किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप कमेंट भी अवश्य करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।